आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शास्त्री पार्क दिल्ली का पूरा बाजार बंद रहा एवं सकल समाज ने मिलकर समय शिखर जी बचाओ हेतु विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की सफलता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शास्त्री पार्क गांधीनगर सीलमपुर की निगम पार्षद और विधायक इस आंदोलन में सकल जैन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और उन्होंने भी झारखंड प्रदेश के समय शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कड़ी निंदा की। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे अध्यक्ष भरत लाल जैन, महामंत्री विकास जैन बंटी और समस्त कार्यकारिणी समिति एवं सकल जैन समाज का, जिन्होंने अपने व्यापार और परिवार की चिंता ना करते हुए सड़कों पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसे कवर करने नमोकार चैनल के साथ देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल भी पहुंचे। कृपया आप सभी से अनुरोध है, आप भी अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में साझा करें, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र समय शिखर जी जैन पर्यटन स्थल घोषित हो सके। जैनियों के मान पर जो आज अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने घर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। तीर्थ जो महान है, जो जैनियों की शान है, शिखर जी जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान हम है सबसे पहला ये धर्म, अपमान तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। ये शास्त्री पार्क गौतमपुरी ब्रह्मपुरी न्यू शमानपुर कैतवाड़ा और मौजपुर, ये सब ने मिलकर के एक आह्वान किया है कि हम भारत बंद रखेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने झारखंड सरकार की अनुशंसा पर 22 अगस्त 2019 को एक नोटिफिकेशन पास किया है कि समय शिखर जी पर पर्यटन तीर्थ क्षेत्र बनाया जाए। हम वो हमारा 100 तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और ये अनंत काल से जाते थे और जाते रहेंगे। वहाँ पर हम लोग चप्पल पहन कर भी जाना नहीं चाहते हैं, इतना हमारा पवित्र कनकन है। और ये लोग उस पर होटल, मुर्गी पालन, पशुपालन ये खोलना चाहते हैं, क्यों? क्या जैन समाज इतना कायर हो गया है? जैन समाज कायर नहीं है, हमेशा हिंसा का पालन करता है और करता रहेगा। मगर हम भारत सरकार से ये भी कहते हैं कि हम अपना समय शिखर पर पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे। मैं विकास जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन मंदिर, जमुना पार्क कार्यकारिणी सदस्य। विकास जी, आज जो आपने शास्त्री पार्क बंद का आह्वान किया है, शास्त्री पार्क समाज जो जैन समाज है, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, झारखंड सरकार ने एक धार्मिक स्थल को, जो कि आपका पवित्र स्थान है, उस पर एक पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर दी। आज ये शास्त्री पार्क में नहीं, पूरे देश के जैन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है और हमारे राष्ट्रीय संतों ने भी इसका आह्वान किया है कि जैन समाज से कि भाई आप इसको मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज भारत बंद रखे, अपने व्यापार बंद रखें, सब लोग रखें। तो आज उसी उस कड़ी में शास्त्री पार्क जैन समाज, कैदवाड़ा, उस्मानपुर, गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी, मौजपुर, सभी लोग मिल के आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से मार्केटें बंद करा रहे हैं, यहाँ से अब उसके बाद सीधा SDM साहब के पास जाएंगे और वहाँ उनको एक विज्ञापन देंगे उनको कि जो झारखंड सरकार ने ऑर्डर पास किया है और केंद्र सरकार को भेजा है कि जो हमारा समय शिखर जी जो सिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, तो उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए, तो जैन समाज ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगी कि वहाँ पर होटल बने
वहाँ पे सरकार क्या हनीमून मनवाना चाहती है क्या, दारू पिलवाना चाहती है, मछली पालन मुर्गी पालन कभी भी ऐसा नहीं होने देगी जैन समाज। होटल तो क्या, होटल की दीवार भी वहाँ जैन समाज नहीं लगने देगी। और यदि सब सरकार होश में नहीं आई और सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो अगला का जो होगा प्रदर्शन वो उग्र प्रदर्शन होगा, चक्के जाम किए जाएंगे जंगा जंगा हिंदुस्तान के अंदर, और जो भी जैन समाज कर सकता होगा वो करेगा और अपने व्यापारों को बंद करेगा, क्योंकि इस देश के अंदर हम अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में हमारी सबसे कम आबादी है। हम 25% जितना टैक्स है उसका देते हैं, जितना भारत सरकार को इकट्ठा होता है ना टैक्स, उसमें 25% भूमिका होती है। यदि हमने एक हफ्ते भी व्यापार बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी हिंदुस्तान की। धार्मिक भावनाओं पर बहुत बड़ा आघात है और झारखंड सरकार को इसके लिए माफ़ी नहीं है। जब तक वो अपना अध्यादेश वापस नहीं लेता हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और आज हम SDM के पास आए, इससे ऊपर भी जाना पड़ा तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और झारखंड सरकार को ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। ये एक समाज की अपनी पर्सनल उस पर अटैक है और हम किसी धार्मिक स्थल को पर्यटन नहीं बनाने देंगे। ये हम सबका एक ही नारा के सम्मे शिखर हमारा है। सरकार यदि आपकी बातें नहीं मानती है जैन समाज की तो क्या कुछ कैसे नहीं मानती है? ये कोई धार्मिक भावनाओं को हमारी ठेस पहुंचाएगा तो किसी सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जरूर मानना पड़ेगा और 100% मानना पड़ेगा। उन्होंने इनकम टैक्स भरना बंद कर दिया तो सरकार के पास कुछ नहीं आएगा। मेरा नाम प्रिया जैन है। पर्यटन स्थल सम्मे शिखर को घोषित करनी है सरकार, हम उसे घोषित होने नहीं देंगे। वो हमारा है जैनियों का और जैनियों का ही रहेगा। आज के लोग आपके पास आए शिकायत लेकर, उन्होंने क्या कहते हैं सर इस पर? सम्मे शिखर जी एक तीर्थ स्थान है जो जैन समाज की तरफ से झारखंड में स्थित है। आज इस समाज के लोगों ने, जो सीलमपुर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जैन समाज के, उन लोगों का जो एतराज़ था इस बात के लिए है कि जो समेत शिखर जी जो कभी तीर्थ स्थान है अभी, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। उसकी वजह से वहाँ जो अव्यवस्था जिसका अंदेशा है कि वहाँ मांस मछली और मदिरा वगैरह का इस्तेमाल होगा, उसी से संबंधित एक प्रोटेस्ट है जिसके बारे में अलग अलग इसी एरिया के अलग अलग समाज ने आज एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो हमने ले लिया है और इस पर जो भी कार्रवाई होगी अथॉरिटी के साथ वो टिकअप करूँगा। ठीक। देखिए, संवेद शिखर एक जैनियों का धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। झारखंड की सरकार ने उसे पर्यटक स्थल में तब्दील करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जैन समाज उसका पूरी तरह से विरोध करता है और उसे पर्यटक स्थल किसी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा, उसे धार्मिक स्थल ही रखा जाए। आज यहाँ पूरा जैन समाज, बल्कि उनके साथ मुस्लिम वर्ग के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग, हिंदू समाज पूरी तरह से एक साथ है और हम सब लोगों की यही मांग है कि उस धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल रहने दिया जाए, उसे पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। आज हम मेमोरेंडम देने के लिए सीलमपुर SDM के पास आए हैं। हमारी बात यहाँ से बनेगी तो ठीक है, अगर इस मांग को लेकर हमें प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे और उस धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। सुना नहीं होगा, जैन समाज और आंदोलन, जैन समाज और बंद, जैन समाज और प्रदर्शन, समझ लीजिए ये मजबूरी क्यों आई। और अगर ये मजबूरी आई है, जैन समाज आंदोलन करने निकला, पूरे देश में निकला, तो सरकारों को समझ लेना चाहिए, समय रहते चेत जाए वरना झारखंड से उखाड़ कर फेंक देंगे। संवेद शिखर जी, जैन समाज की आस्था का प्रश्न है, किसी भी समाज की आस्था का प्रश्न कोई स्थल हो उससे छेड़छाड़ किसी सरकार की ठीक नहीं है। इसको पर्यटन स्थान बनाने का सपना झारखंड सरकार छोड़ दे और जो प्रस्ताव भेजा है वापिस जाए और वो जैनियों का तीर्थ स्थान जैन समाज के पास रहे, उसी तरीके से उसकी आस्था रहे।